दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त निज़ाम, एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूं। डॉज कॉइन के बारे में बात करेंगे, उसके प्राइस के बारे में बात करेंगे, क्या हो सकता है नेक्स्ट मूवमेंट आगे उसका, उस पर बात करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। वीडियो करते हैं शुरू। यहाँ पर दोस्तों हम कॉइन मार्केट कैप पर आ गए हैं और यहाँ पर हमने डॉज कॉइन को ओपन किया हुआ है। हम देख सकते हैं अगर इसकी रैंक देखेंगे तो 12th रैंक के आसपास है, और अगर इसके प्राइस को देखेंगे तो 0.17 सेंट के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। लगभग 11% से भी ज़्यादा का राइज इसमें देखने को मिला है 24 आवर्स के अंदर। कुछ ऐसी न्यूज़ सुनाई पड़ी थी कि जिसमें बोला जा रहा था कि डॉज कॉइन को एज ए पेमेंट के तौर पर एक्सेप्ट करेगा टेस्ला, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं इससे इतना ज़्यादा मैं इसको नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग इससे पहले भी मैं देख चुका हूं, आप सभी देख चुके हैं कि बिटकॉइन को भी एज ए पेमेंट एक्सेप्ट करने की बात की थी टेस्ला ने, लेकिन बाद में उसको वहां से हटा दिया था। तो अभी इस पे क्या गारंटी है कि डॉज कॉइन को अगर एज ए पेमेंट के तौर पर एक्सेप्ट करने की बात करते हैं तो उसको कल कंटिन्यू करेंगे ही। तो यहाँ पर दोस्तों ये सिर्फ एक तरीके से मेरे ख्याल से एक मार्केट में पंप लाने वाली बात है। एग्जैक्ट पंप है, सही पंप है, डॉज कॉइन अपने चार्ट के अकॉर्डिंग चल रहा है या किसी ट्वीट के अकॉर्डिंग चल रहा है, इस पर बात करेंगे। इससे पहले भी मैं कह चुका हूं कि मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस आप करो वो ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं बनिस्बत फंडामेंटल के, क्योंकि फंडामेंटल न्यूज़ आती है, मार्केट पुश होती है, लेकिन वो फेक पंप भी होता है। तो वहाँ पर हमें उस पर नहीं, हमें चलना है टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मार्केट की, तो हम देख सकते हैं 2.07 ट्रिलियन के आसपास हमें मार्केट कैप, टोटल मार्केट कैप देखने को मिल रही है, जो कि एक अच्छा साइन है यहाँ पर क्रिप्टोकरेंसी मार्केट के लिए, क्योंकि 2 ट्रिलियन के भी नीचे थोड़ी सी चली गई थी, वहाँ से थोड़ा सा इसमें रिकवरी देखने को मिली है। अगर अभी बात करते हैं उतना ज़्यादा मार्केट बुलिश नज़र नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी मार्केट अपने आप को रिकवर करने की कोशिश कर रही है। बिटकॉइन को लेकर मैं बुलिश हूँ, क्योंकि बिटकॉइन अपने सपोर्ट एरिया से ऊपर चलने की कोशिश कर रहा है, 43,000 के आसपास हमें ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर और नीचे चलेंगे तो हम देख सकते हैं जिस तरीके से इसके प्राइस में राइज आया है, उसी तरीके से इसकी मार्केट कैप में भी राइज आया है। मार्केट कैप 12th रैंक पर है डॉज कॉइन, और मार्केट कैप उसी अकॉर्डिंग तय की जाती है कॉइन मार्केट कैप पर, मार्केट कैप के आधार पर। यहाँ पर अगर फुल्ली डायलूटेड मार्केट की बात करते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं वॉल्यूम में अगर हम देखेंगे तो 8.45% की गिरावट देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर अगर हम चार्ट को तो इसका काफ़ी बार देख चुके हैं, इसके अलावा यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही है। अगर हम चार्ट को भी देखते हैं तो देख सकते हैं कि लगभग वन डे का चार्ट है और प्राइस ऊपर राइज करता हुआ जा रहा है, लेकिन वहीं पर अगर हम इसको मैक्सिमाइज चार्ट पर लेते हैं तो हम देख सकते हैं कि अभी भी कंडीशन उतनी ज़्यादा मजबूत नहीं दिख रही है, अपने टॉप एरिया से काफ़ी ज़्यादा नीचे गिरा है। अब चलते हैं tradingview.com पर, लेकिन उससे पहले हम आपको ले चलेंगे वज़ीर एक्सचेंज के चार्ट पर, वहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि INR में किस तरह का ये मूवमेंट कर सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने डॉज INR का चार्ट यानी वज़ीर एक्सचेंज का चार्ट यहाँ पर ओपन कर दिया है, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मार्केट इस पॉइंट से जब गिरी थी यहाँ से, और एक अच्छी खासी इसने गिरावट की थी, और उसके बाद ये जो रेड कलर की आपको लाइन दिख रही है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर प्राइस गिरता चला आया था। प्राइस में एक डेड कैट बाउंस आया था इस तरह का, जो एक बियर फ्लैग का भी काम यहाँ पर किया था, और इस बियर फ्लैग का ब्रेकडाउन हुआ था, तो मार्केट अच्छी खासी नीचे भी हमें देखने को मिली थी। अगर यहाँ पर हम बात करेंगे तो लगभग यहाँ पर 11.50 रुपये के आसपास प्राइस आ गया था डाउन, वहाँ से प्राइस ऊपर चलने की कोशिश कर रहा है, लगभग 13.550 INR के आसपास हमें जाता अभी दिख रहा है। प्रेजेंट प्राइस की बात कर रहा हूँ जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है जब ये वीडियो मिले तो प्राइस में कुछ और ऊपर नीचे उछाल हो जाए। यहाँ से देखो एक सिंपल सी चीज़ मुझे लग रही है, यहाँ पर देखो ये जब इस पॉइंट से मार्केट गिरी थी तो मार्केट ने एक डबल बॉटम यहाँ क्रिएट किया था, दो बॉटम आपको दिख रहे होंगे, एक बॉटम ये, एक बॉटम ये, और यहाँ से राइज मारा था, ठीक है, फिर थोड़ा सा प्राइस नीचे आया, फिर इसने एक राइज मारा था, यानी कि ओवरऑल इस जोन तक गया था, जहाँ पर रेड कलर की आपको एक जोन दिखाई पड़ रही, प्राइस उस जोन तक गया था जो कि है लगभग 23 रुपये से 25 रुपये तक, यानी 23 रुपीज़ से 25 रुपीज़ तक। वहाँ से प्राइस को गिरावट देखने को मिली और प्राइस वापस आया 12.50 रुपीज़ से 11.50 रुपीज़, यानी एक जोन में आया, और जोन में आने के बाद दोस्तों अभी भी आप देखोगे तो एक ट्रिपल बॉटम हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर तीन बॉटम आपको दिख रहे हैं, एक बॉटम, दो बॉटम, तीन बॉटम, इसी जो ये जोन है इसी एरिया में। यहाँ पर देखो जिस तरीके से डबल बॉटम पैटर्न बुलिश होता है, उसी तरीके से डबल ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम पैटर्न भी बुलिश होता है, ठीक है।
तो यहाँ से इस जोन से ये एक सपोर्ट एरिया है। जाहिर सी बात है, कोई भी क्रिप्टोकरेंसी हो या कोई भी स्टॉक मार्केट का कोई शेयर हो, जब वो अपने सपोर्ट एरिया पर आता है तो वहाँ से उसको थोड़ा सा एक बाउंस मिलता है। ये अभी अगर ध्यान से देखोगे, यहाँ पर अगर इस एरिया को ध्यान से देखोगे तो यहाँ से इस पॉइंट हमें ऊपर बुलिश कंडीशन देखने को मिल रही है, लेकिन उतनी ज़्यादा बुलिश नहीं है। यहाँ पर एक रेड कलर की आपको कैंडल आपको दिखाई पड़ रही, जिसके नीचे प्राइस एक हाई लगाकर लो बनाया था, फिर दूसरा हाई लगाया जाकर एक लो बनाया और फिर उसी ट्रेंड लाइन के आसपास ट्रेड करता दिख रहा है। अब बात आती है यहाँ पर कि अगर हम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हैं, यानी कि जो रेड कलर की जो ट्रेंड लाइन है अगर इसको ब्रेक करते हैं, तो 15 रुपीज़ 40 पैसा पहला टारगेट हमारा होगा। उसके बाद यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ये ऊपर से आ रही है, आप देख सकते हो एक हाई ये था, दूसरा हाई ये था, ठीक है। तो इस हाई को यानी 15 to 17 रुपीज़ को जाकर टेस्ट कर सकता है प्राइस ऊपर अगर जाता है इस रेड कलर की ट्रेंड लाइन को तोड़कर। अगर 17 रुपीज़ का भी एरिया तोड़ता है तो 23 और 25 तक एक रेजिस्टेंस एरिया पर हम पहुँचेंगे, जो कि एक मजबूत रेजिस्टेंस एरिया है डॉज कॉइन के लिए। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इस तरीके से हम देखते हैं तो एक रेक्टेंगल बॉक्स में भी प्राइस हमें देखने को मिल रहा है कि जब भी ऊपर जाता है तो वहाँ से गिरकर इस तरह से नीचे जाता है, और जब भी नीचे जा रहा है तो ऊपर जाने की कोशिश करता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, तो यहाँ पर मैंने ऊपर के टारगेट आपको दे दिए हैं कि अगर इस एरिए तक हम पहुँच सकते हैं 15 to 17 रुपीज़ और 23 to 25 रुपीज़। तो ये INR के पेयर की अपडेट थी। अब यहाँ पर USDT के पेयर की अपडेट भी करते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग USDT के पेयर में भी ट्रेड करते हैं। दोस्तों अगर हम देखेंगे डॉज कॉइन के USDT के पेयर को tradingview.com पर, तो हमें उसी तरीके का चार्ट देखने को मिलेगा जिस तरह का चार्ट हमें देखने को मिला था INR के पेयर पर। तो ये जो ग्रीन, इसको मैं रेड कर लेता हूँ ताकि हमें बिल्कुल सही तरह से ये चीज़ दिखाई पड़े, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पर देखो कि देखो प्राइस अपने टॉप से नीचे गिरा, ठीक है। तो नीचे अगर हम देखते हैं परसेंटेज वाइज, तो हम देख सकते हैं कि लगभग यहाँ से अपने ऑल टाइम हाई से लगभग ये गिरा था, अगर हम बात करेंगे तो 81% डाउन है लगभग। अभी फ़िलहाल 81% तक डाउन आया था, अभी थोड़ा सा इसमें एक राइज देखने को मिला है। तो अगर हम बात करते हैं कि आगे इसमें क्या हो सकता है, तो देखो पहले तो यहाँ पर ये समझ लो कि जिस तरीके से मैं बताता हूँ लगातार आपको कि INR के पेयर की अपडेट, अगर मैं USDT के पेयर की अपडेट कर रहा हूँ तो वही सेम अपडेट INR के पेयर में होगी, क्योंकि कमोबेश अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो सारे चार्ट आपको डॉज को, जैसे INR का चार्ट, मतलब INR के पेयर का चार्ट या USDT के पेयर का चार्ट आपको सेम एक जैसा ही देखने को मिलता है। यहाँ पर मैंने इसीलिए ये ड्राइंग करके दिखाई है आपको ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए। देखो ये प्राइस गिरा, इस तरीके से एक डेड कैट बाउंस आया, यानी एक बेयर फ्लैग क्रिएट हुआ और प्राइस नीचे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर जिस तरीके से एक डबल बॉटम यहाँ पर इसने क्रिएट किया था, देखो सेम वही अपडेट हो रही है यहाँ पर, आप समझ रहे हो कि सेम वही अपडेट है। तो डबल बॉटम यहाँ पर क्रिएट हुआ, प्राइस गया ऊपर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक ट्रिपल बॉटम या डबल बॉटम कुछ भी समझ लो, तो इस सपोर्ट एरिया पर यानी कि डिमांड जोन पर ये क्रिएट हो रहा है, तो प्राइस ऊपर चलने की कोशिश कर रहा है। अगर आप यहाँ पर गौर से देखोगे, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, अगर आप गौर से देखोगे इस ट्रेंड लाइन को, जो रेड कलर की ट्रेंड लाइन आपको देखने को मिल रही है, इस पॉइंट से प्राइस गया तो इसने उसको टेस्ट करके नीचे के साइड ही आ रहा है। ये ट्रेंड लाइन का टूटना ज़रूरी है, अगर ये ट्रेंड लाइन टूटती है तो हम लगभग 20 सेंट तक जा सकते हैं। 20 सेंट के बाद अगर हम ब्रेक करते हैं ऊपर के साइड, तो एक हमें एरिया और मिल सकता है जहाँ पर हमें रेजिस्टेंस मिल सकता है लगभग 22 सेंट के आसपास। यानी आप समझो कि अगर हम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हैं रेड कलर की ट्रेंड लाइन को, तो 20 सेंट to 22 या 23 सेंट तक जा सकते हैं। उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट टारगेट होंगे, यानी कि ये जो एक जोन एरिया है, यानी कि ये एक रेजिस्टेंस एरिया है डॉज कॉइन का, एक मजबूत रेजिस्टेंस एरिया है जो कि 35 सेंट से लेकर 44 सेंट के बीच में है, तो इस जोन तक भी हम जाते दिख सकते हैं। तो इस तरह से हमें समझना होगा। और फिलहाल अभी यहाँ पर अगर हम इसके टॉप एरिया की बात करते हैं, तो मेरे ख्याल से 74 सेंट के आसपास यहाँ पर था आई थिंक ये एरिया, आप देख सकते हो 74 सेंट के आसपास ये टॉप लगा था। इस टॉप पर भी मैंने आप लोगों को सचेत किया था वीडियो के माध्यम से, 2 से 3 वीडियो मैंने अपलोड किए थे कि प्राइस नीचे गिर सकता है। आप देखोगे उस अपडेट के बाद से लगातार प्राइस नीचे गिरा है, थोड़ा सा ही राइज देखने को मिला है जो कि एक बेयर फ्लैग में कन्वर्ट हुआ और प्राइस टूटा। अभी फ़िलहाल यहाँ पर बस समझने वाली चीज़ इतनी है कि इस डिमांड जोन से प्राइस राइज करने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पर एक बुलिश सिग्नल है, यानी कि एक बॉटम, दूसरा बॉटम और तीसरा बॉटम, और इसको डबल बॉटम भी कह सकते हो क्योंकि USDT के चार्ट पर ये डबल बॉटम जैसा देखने को मिल रहा है। तो डबल बॉटम लगा, उसके बाद ये न्यूज़ मार्केट में निकल कर आ गई कि टेस्ला एक्सेप्ट करने जा रहा है डॉज कॉइन को एज ए पेमेंट के तौर पर।
तो ये मुझे नहीं समझ में आता है, मेरी समझ के बाहर, हो सकता मैं गलत हूँ, लेकिन मेरा अपना सोचना अलग है। मेरा अपना सोचना यह है कि अगर कोई भी फंडामेंटल न्यूज़ से पहले टेक्निकल चार्ट पर आपको इंडिकेशन मिल जाते हैं कि मार्केट कहाँ से जानी है। देखो सिंपल सा फैक्ट है, यहाँ पर आप देखोगे अगर चार्ट को श्रिंक करके, तो इस तरीके की जोन एरिया दिख रहा है, रेक्टेंगल बॉक्स जिसमें प्राइस ट्रेड करता हुआ दिख रहा है मैं, तो इसमें ऊपर के साइड जा रहा है अपनी सप्लाई जोन पर, तो वहाँ से नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, ठीक है। और जब भी अपने बॉटम के ऊपर जा रहा है यानी डिमांड जोन पर, तो वहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है, डिमांड जोन पर प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब जो ट्रेंड लाइन ब्रेक हो, जो लेवल्स यहाँ पर मैंने दिए वो ब्रेक हो, तो अच्छा खासा रिजल्ट भी हमें देखने को मिल सकता है। तो ये थी ऑनेस्ट अपडेट डॉज कॉइन की, उम्मीद करूँगा आपको पसंद ज़रूर आई होगी। हालांकि इस तरीके की टेक्निकल अपडेट आप लोगों को अच्छी नहीं लगती, मुझे मालूम अच्छे से, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा शॉर्टकट ढूंढते हो, लेकिन मेरे भाई सफलता का कोई शॉर्टकट होता नहीं है। तो चलो इसी उम्मीद के साथ कि ये अपडेट को आप लाइक ज़रूर करोगे, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिदम ऐसा है कि वीडियो अच्छा हो या ख़राब हो, आपके लाइक ज़्यादा होंगे उस पर तो वो उसको आगे प्रमोट करेगा। लेकिन यहाँ पर हमारा कंटेंट भी अच्छा है, क्वालिटी कंटेंट मैं आप तक पहुँचाता हूँ, इसलिए आपका एक फ़र्ज़ बनता है कि लाइक करो। जिस तरीके से मेरा एक फ़र्ज़ बनता है कि आपको मार्केट के साथ ऑनेस्टली अपडेट रखूँ, उसी तरीके से आप भी अपनी ड्यूटी को निभा सकते हो लाइक ठोक कर। तो एक लाइक का मैं आपका आभारी रहूँगा। तो चलो दोस्तों, इजाज़त दो, नेक्स्ट अपडेट में मिलता हूँ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।